Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Akbar Ali from Banaras, the Sebastian, ये 3D का यानी 3 dimension analysis के एक problem है. Question number 6, sir. Prove that the plane LX plus MY plus NZ is equal to P may touch the conchoid AX square plus BY square plus CZ square equal to 1. If L square upon A plus M square upon B plus N square upon C is equal to P square. यानी ये जो प्लेन दे रखा है, ये प्लेन इस कॉनिकॉइड को टच करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इस कंडीशन में इस प्लेन के देख रहे हैं नॉर्मल की DRS और प्लेन के जो कॉफिशेंट है, सॉरी कॉनिकॉइड के जो कॉफिशेंट है वो यूज़ हो रहे हैं. तो इनमें ये रिलेशन अगर पाया जाएगा तो ये प्लेन इसको टच करेगा. ये में कंडीशन प्रूव करना है. तो इक्वेशन हम जो दे रखी है प्लेन की, पहले वो लिख देते हैं. इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन हमको दे रखा है एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. इसके बाद कॉनिकॉइड लिख लें. द गिवन कॉनिकॉइड कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यानी एक सेंट्रल कॉनिकॉइड है ये जनरल फॉर्म में, और हमें प्रूव ये करना है कि ये इसको टच करेगा. तो कंडीशन यानी इनके कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए. यानी कोई 3D में एक पोर्शन कॉनिकॉइड का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस जैसे कि एलिप्सॉइड हो सकता है, तो या कोई भी कॉनिकॉइड यहाँ पर हाइपरबोलिक पैराबोलाइड हो सकता है. 3 डायमेंशन में एक सरफेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सरफेस को जो टच करेगा, ये जो उसके पीछे वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर इस स्पाइन पर माना टच कर रहा है. तो पहले तो हम वो कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी जहाँ पर टच कर रहा है उसको मान लेते हैं कि वो पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन है. ये भी टच कर रहा है ये प्लेन इसको. तो लेट पी एक्स वन वाई वन जेड वन बी कॉन्टेक्ट पॉइंट. यानी जब प्लेन किसी को टच करता है कॉनिकॉइड को, तो उस पॉइंट को कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं. तो इक्वेशन नंबर हम 3 से जो कोन पर इक्वेशन नंबर सॉरी 2 से जो कोन कॉनिकॉइड पर एक पॉइंट है, यहाँ से हम इसके कॉन्टेक्ट प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं. जो इससे टच करता हुआ टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं. तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पर इसे निकालने का मेथड क्या है. यानी हम किसी भी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं. तो जब भी हमें कभी, ये तो इस इक्वेशन में तो हम देख रहे हैं 3 टर्म हैं, एक्स स्क्वायर मिले वहाँ पर हम इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट प्लेन निकालना चाहें तो एक्स की जगह पर एक्स वन एक्स रखते हैं, और बाई स्क्वायर मिले तो बाई स्क्वायर की जगह पर बाई वन बाई रख दें जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जेड स्क्वायर जहाँ मिले वहाँ पर जेड वन जेड रखना है. यहाँ पर जो नहीं अब लिख रहे हैं, जैसे एक्स हो किसी इक्वेशन में तो एक्स की जगह पर तब आप टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए एक्स प्लस एक्स वन अपन टू रख दें. इसी तरीके से वाई की वैल्यू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन अपन टू रख दें. सिमिलरली जेड की जगह पर जेड प्लस जेड वन बाई टू पुट कर दें. जो भी हमारा कोई सरफेस दे रखा हो यहाँ पर कॉनिकॉइड है, तो उसमें ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एक्स वन वाई वन जेड वन, यानी हमने एक जो पॉइंट माना था कॉनिकॉइड पर उस पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, तो इस कॉनिकॉइड के इक्वेशन में जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नज़र आए, जो हमने यहाँ पर लिख दिए
इनका यूज करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो वहाँ पर एक्स बाई एक्स रख देंगे, जहाँ पर वाई स्क्वायर मिले वहाँ पर वाई बिन वाई रख देंगे, और यहाँ पर जेड हो जेड स्क्वायर हो जेड वन जेड रख देंगे इक्वल टू वन। ये एक प्लेन का इक्वेशन है। और इक्वेशन नंबर थ्री भी हमारा ये टेंजेंट प्लेन का ही इक्वेशन है, क्योंकि ये कंडीशन निकालना है कि ये प्लेन फर्स्ट कॉनिकॉइड टू को टच करेगा, इसका टेंजेंट प्लेन होगा। तो ये भी टेंजेंट प्लेन है, ये भी टेंजेंट प्लेन है। अगर ये टेंजेंट प्लेन यही है तो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, यानी एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो, जेड के कोएफिशिएंट का रेशियो। तो इक्वेशन नंबर वन और थ्री जब एक ही प्लेन को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही कॉनिकॉइड के टेंजेंट प्लेन हैं, तो हम इक्वेशन नंबर वन और थ्री के कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर वन में था एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एम जेड इज इक्वल टू पी था इक्वेशन नंबर वन। तो हम यहाँ पर इसके बाद इक्वेशन नंबर थ्री के बाद इक्वेशन नंबर वन और थ्री से, क्योंकि ये सेम प्लेन को डिनोट कर रहे हैं, टेंजेंट प्लेन को डिनोट कर रहे हैं, तो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट एल है, और इक्वेशन नंबर थर्ड में एक्स के कोएफिशिएंट का ए एक्स वन है, और इक्वेशन नंबर वन में वाई का कोएफिशिएंट एम है, और इधर इक्वेशन नंबर थ्री में वाई का कोएफिशिएंट है वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है बी बाई वन, और देख रहे हैं जेड का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर वन में एन है, और इक्वेशन नंबर थ्री में जेड को कोएफिशिएंट है जेड में मल्टीप्लाई हो रहा है सी जेड वन से। राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर वन में बी है, और इक्वेशन नंबर वन में वन इक्वल है। इससे हम एक्स को पॉइंट निकाल लेंगे, जिस पॉइंट पर जो हमने माना था, जिस पॉइंट पर ये इक्वेशन नंबर वन से डिनोट प्लेन कॉनिकॉइड टू से डिनोट जो कॉनिकॉइड है सरफेस है उसको टच कर रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल आएंगे। इक्वेशन ये हमारे पास ये चार हैं, इन चारों इक्वेशन में सभी इक्वेशन जो है देख रहे हैं फर्स्ट को लास्ट के इक्वल ले सकते हैं, आपस में बराबर हैं। एल अपान ए एक्स वन इक्वल टू पी अपान वन करेंगे पी आ जाएगा, ऐसे फर्स्ट को भी फोर्थ के इक्वल, सेकेंड फोर्थ और थर्ड को भी फोर्थ के इक्वल रख देंगे पी बाई वन इक्वल टू पी एंड एन अपान सी जेड वन इक्वल टू पी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यानी एक्स वन को उधर ले जाए पी को उधर ले जाए, इससे एक्स वन की वैल्यू मिल जाएगी पी इधर नीचे आ जाएगा, एल अपान हमारा ए है और पी यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली वाई वन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से पी को उधर ले आएंगे वाई वन को उधर ले जाएंगे, तो वाई वन की वैल्यू आ जाएगी एम अपान बी पी सिमिलर एंड जेड वन की वैल्यू निकाल लेंगे एन अपान में सी पी। तो ये वो पॉइंट है पी जो कि प्लेन पर भी है और इस कॉनिकॉइड इक्वेशन नंबर टू से डिनोट है उस पर भी लाई करता है, इसलिए ये पॉइंट जो कि पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है, ये पॉइंट जो होगा जिसके कोऑर्डिनेट एल अपान ए पी है, जब इक्वेशन नंबर टू यानी कॉनिकॉइड पर है तो कॉनिकॉइड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर टू को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस कॉनिकॉइड पर है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर टू में जहाँ पर भी एक्स नजर आएगा वहाँ पर रख देंगे हम एक्स वन रख देंगे, जहाँ वाई नजर आएगा वहाँ पर वाई वन रख देंगे, जहाँ जेड नजर आए वहाँ पर जेड वन रख देंगे, और राइट हैंड साइड में वन है। अब हमें कंडीशन निकालना है इनके यानी कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, और x1 y1 z1 अपनी तरफ से माना हुआ है इसे हटाना पड़ेगा, और जो l m n और a b c है और p इनके बीच में एक रिलेशन बताना होगा, ऐसा कि इक्वेशन नंबर वन से जो नोट जो प्लेन है वो कॉनिकॉइड को टच करें। तो हम देख रहे हैं कि अगर x1 y1 z1 की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर अगर थ्री डाल दें से नहीं सॉरी फोर डाल दें तो इसमें वैल्यू पुट कर दें फोर से x1 y1 z1 यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और इनके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन निकालना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो है एल अपान ए बी उसका होल स्क्वायर प्लस बी इंटू y1 की वैल्यू है
एम अपान बी पी इसका होल एप स्क्वायर प्लस सी इंटू जेड वन की वैल्यू है एन अपान सी पी उसका होल एप स्क्वायर इक्वल टू वन। और इसका देखेंगे ए स्क्वायर जब करेंगे तो ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो अपान में ए पावर बचेगी और पी स्क्वायर भी आएगा इस सेकेंड वाले टर्म में भी यहाँ पर पी स्क्वायर आएगा और तो एल अपान ए पी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर भी होगा और एम स्क्वायर ये भी तो एक पावर कैंसिल रहेगी लेकिन एक भी यहाँ बचेगा कैंसिल होने के बाद भी और एन स्क्वायर अपान में सी एक पावर कैंसिल एक सी बचेगा और पी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब लास्ट स्टेप रहेगी बिल्कुल जो प्रूव करना वो आ चुका है सिर्फ हमें पी स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है ताकि अपान में से पी स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाए और इधर पी स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कंडीशन हमें प्रूव करना थी सॉरी जो कंडीशन या समय फाइंड करना थी वो आ चुकी है जो प्रूव करना थी वो आ चुकी है। तो ये पहले इक्वेशन नंबर वन से जो नोड है वो कॉनिकॉइड सेकेंड को टू को टच करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस वाकर दामाना अलहमदिल्ला रबीन।